गांधी जी कहते थे कि किसी एक पुरुष को आप शिक्षित करेंगे तो एक इंसान जो है वो शिक्षित होगा, बेटी को अगर आप शिक्षित करेंगे तो पूरा परिवार जो है वो शिक्षित होगा। ऐसा भी टाइम था कि घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं होती थी कई बार, तो पापा ने सोचा कि चलो ठेला चलाते हैं। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, मैं भी नहीं पढ़ पाया था पूरा, इसको जिद करके ही पढ़ाया कि हाँ बेटी तुम पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ लो। प्रोफेसर, मैं फिजिकल एजुकेशन की हूँ और PhD भी मैं फिजिकल एजुकेशन में कर रही हूँ। बाबू जी आपको प्रणाम करता हूँ। ये बहुत बड़ा उदाहरण है देश के लिए, ये जो सोच है ये हमारे देश में और प्रबल होनी चाहिए। हमने पता किया है आपके बारे में कि आप स्वयं जिम्नास्टिक्स करती रही महिला। अमृतसर की रहने वाली किरण घर में गरीबी होने के बावजूद पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही है और अपनी मेहनत के कारण ही वह PhD की शिक्षा हासिल कर रही है। किरण जब भी अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम देखती तो उसके दिल में आता कि काश वह भी इस कार्यक्रम में बैठी होती। वही राष्ट्रीय पर्दे पर किरण की गरीबी और उसकी मेहनत की कहानी अमिताभ बच्चन ने दिखाई। किरण अपनी इस खुशी से फूले नहीं समा रही है तथा उसे भी भगवान ने यह मौका दिया कि वह इतने बड़े अमिताभ बच्चन के सामने कौन बनेगा करोड़पति में बैठने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि वह छुट्टी के समय स्कूल से घर जाती थी तो रास्ते में जब उसका पिता पौधे लगाकर गली गली में पौधे बेचता था तो मन में सोचती थी कि वह अपने पिता के लिए कुछ करे और इतनी मुश्किल से वह हमें पढ़ा रहे हैं और घर भी चला रहे हैं। उसने कहा कि हमने बहुत गरीबी देखी है और भगवान से यही प्रार्थना है कि वह इस कदर लायक बना दे कि वह अपने माँ बाप का बोझ हल्का कर सके। इतने तक पहुंचने दे विच मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ सी कि उन्हां दी मेहनत सी, उन्हां दी दुआवां सी कि मैं आज इत्थे पहुंची हाँ। मेरे पापा रेहड़ी चलांदे सी, पौधे बेचदे सी और मैनू काफ़ी दुख हुंदा सी। कई बार जब मैं पापा नूं सड़क दे उत्ते देखदी सी तो मेरी अखां च पानी हुंदा सी कि मैं किस तरह पापा दी हैल्प करां कि थोड़ा रिलैक्स फील करन। तो मैं यही कि मैं स्टडीज़ नूं अगे लैके जाना, अपने अगे लैके जाना, स्टडीज़ वल मैं ज़्यादा अपना कंसंट्रेट करना शुरू कर दिता क्योंकि फैमिली दे विच पापा इन्ने पढ़े लिखे नहीं सी, मम्मा बिल्कुल भी नहीं पढ़े सी, इसलिए उन्होंने पता सी कि स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस हुंदा वा लाइफ दे विच। उन्होंने हमेशा मैंने इनकरेज किया कि नहीं बेटा तुसी पढ़ना, तुसी पढ़ना आ। तो इसी गल नूं मैं बन लिया कि नहीं कुछ करना, पढ़ना तो कुछ करना भी है। फिर मैं अपनी पहले मैं स्कूल गवर्नमेंट स्कूल तो पढ़ी सी, फिर मैं कहिंदे अपनी ग्रेजुएशन खालसा कॉलेज फॉर वूमन तो की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैं यूनिवर्सिटी तो की और उस साल मैनू जो मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट की मैं PhD दे विच सीट मिल गई सी। फिर मैं PhD करन लग गई और नैक्सट ईयर ही मैनू जॉब ऑफर हुई एज असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट, वह भी बिना किसी सिफारिश के मैरिट बेस पर मैं जॉब मिली सी। तो अज इस मुकाम पर पहुँच के मैं बड़ी खुशी होंगी है कि मैं अपने पेरेंट्स का एक सपना पूरा किया क्योंकि उन्होंने सपना से कि उन्होंने एक कोई भी बच्चा अपना एक टीचर बन जाए क्योंकि वो टीचर लाइन बड़ा रिस्पेक्टेड एरिया मानते होंगे से। हूँ भी असं केंद्र फाइनैशियली तौर पर काफ़ी वीक हाँ कि किराए के घर रेंदे हैं, साढ़ा घर कच्चा एक कमरा है वा, लोग कहते हैं कि तुम किमें सर्वाइव करते हो, बट कुछ लोग इस तरह के भी ने जिन्हों के सर के उत्ते छत भी नहीं हैगी। फिर मैं देखती कि उन्हों तो कई बैटर हाँ कि साढ़े को कच्चा मकान आ बट है तो चाहे वह रेंट का क्यों नहीं है। तो करोड़पति दे विच जदों मैं गई सी मेरा बहुत बड़ा सपना सी कि मैं उन्हें कंप्लीट करा अपना सपना। मैं काफ़ी सालों तो ट्राई करती पई सी KBC दे विच जाण दे लई, पिछले 8 सालों तो मैं काफ़ी ट्राई किया सी, इस बार भी मैं अपने किस्मत नूं अजमाण दे लई फिर तो रजिस्ट्रेशन करनियां स्टार्ट कर दित्तियां कि नहीं रजिस्ट्रेशन करदी हाँ कि पता इस बार चांस मिल जाए। तो वो इस बार चांस मैनूं मिल गया। फिर जो मैं ऑडिशंस क्लीयर किए उस तो बाद मैनूं फाइनल्स कॉल आई फस्ट कि तुसीं मुंबई फाइनल दे लई सिलेक्ट हो चुके हो। फिर मैं अपने पापा नूं एज अ कंपेनियन लैके गई उस मंच ते जिथे कहिंदे अमिताभ सर ने कहा सी जो उन्होंने मेरी लाइफ स्टोरी देखी, मेरे पापा का स्ट्रगल देखा, उन्होंने एक गल कही सी कि तुसी इस बार दी टैगलाइन जो उन्होंने KBC सीजन 10 दी टैगलाइन सी कब तक रोकोगे, उन्होंने बिल्कुल प्रूफ करता तुसी। और उन्होंने मेरे पापा नूं भी हाथ जोड़ के कहा कि तुसी मतलब देश दे लई एक मिसाल कायम कीती आ कि बेटा और बेटी दे विच कोई फर्क नहीं किया। ये वर्ड्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते थे उस मंच के उत्ते, एक नैशनल टैलीविजन के उत्ते एक महानायक तुहानू ये वर्ड्स कह रहा वो मेरे लिए बहुत वड्डी गल सी कि मैं अपने पेरेंट्स नूं उत्ते प्राउड फील करवाया। मैं हाँ मेरे को आए को 28 साल हो गए, 28-30 साल हो गए सर। मैं शादी नहीं हुई थी तभी यहाँ पर आया हूँ, बाद में शादी हुई फिर काम मेरा काम में बूटे बेचने का है जो गलियों में जा कर के बेचते हैं अपने रेड़े पर ले जा कर के।
दस रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जैसे मतलब बूटा होता हो उसी हिसाब से रेट मतलब होता है। मैं जितना कमाता था सिर्फ अपने बच्चों के खान खर्च में और पढ़ाई में लगाता था। आज तक मेरे पास अपना घर नहीं है, मैं किराए पर ही रहता हूँ। बच्चों को पढ़ा दिए हैं, मेरी बेटी KBC में गई, वहाँ पर बैठी तो मेरे को बहुत खुशी महसूस हुई। मैं अमिताभ बच्चन के साथ जब बैठा हूँ तो मेरे को बहुत खुशी महसूस हुई कि मेरी बेटी इतने ऊंचे स्टेज पर हमें बैठा दिया है। मेरे बेटी के ऊपर बहुत गर्व है कि बेटी मेरी यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया, जहाँ मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। कैसा महसूस होता है जब लोग बोलते हैं किरण के पापा जा रहे? मेरे को अब जब इनकी पहचान की वजह से मुझे जो कोई देखता है वो बोलता है वो किरण के पापा जा रहे हैं, किरण के पापा जा रहे हैं, तो बहुत खुशी महसूस होती है मुझे। सानू सारो हूँ तो बहुत वधिया लगता, अही पहले बहुत दुख कटे हैं, किसी टाइम रोटी मिल नसीब होंगी, किसी टाइम नहीं, एक टाइम रोटी खा लेते, दूसरे टाइम का होंगे कि रोटी मिलनी कि नहीं मिलनी। तो हूँ इन्ना दुख झेले है, लोग कहते हैं कि बेटी को की पढ़ाना, आपको पढ़ाना, रहने दो, घर का काम कर लो। मैं बोला नहीं, मेरा घर वाला बोला नहीं, मैं अपने घर वाले को काम नहीं करने दूंगा, भूखे रह लेंगे वो ठीक है, मैं घर का काम नहीं करने दिया। किसी तरह मेहनत करके बच्चे को मेरे पढ़ाए, कहते हैं चलो मेरी लाइफ नहीं बनी, मेरे बच्चे को तो लाइफ बन जाएगी, मेरे बच्चे तो चलो अपने पैर तक। कभी अभी दुख है, कभी ऊपर वाला सोचेगा तो सुख देखने का मिलेगा। मेरा घर वाला बूटे का काम करता, पहले पावर चलाता था, पावर में कुछ नहीं हुआ तो फिर बैग सीने लगा, बैग का कंपनी बंद हो गई, फिर रेड़ी चलाने लगे। इनको जांच नहीं थी रेड़ी चलाने का, ऐसे सीखा था, फिर हफ्ता 10 दिन सीखा, सीख के फिर अपने बूटा का काम किया इसने। ये काम हो गया 10-15 साल हो गया करते। अब छोटे छोटे बच्चे थे, इनका पेट तो पालना ज़रूरी था, क्या करें फिर। आपकी बेटी अमिताभ उनके सामने बैठी? हाँ जी, मेरी बेटी अमिताभ के सामने गई, वहाँ पे हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी चलो क्या कहते हैं वहाँ तक पहुँच गई है। हमारे एक बेटी और छोटी है, बेटा है। मैं तो कहती ऊपर वाले चलो जो दुश्मन हो उनका भला करो, हमारा भला करते हो तो उनका भला करो, मेरे बेटे बच्चे और कहीं ऊपर चले जाएँ। सरकार की तरफ से आपको हमको सरकार की तरफ से हमको कोई मदद नहीं मिला। एक कमरा बस किराए पे रहते हैं, वही में गुजारा करते, बच्चे उसी में पढ़ते लिखते उसी में सब, हमको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला। हाँ जी, सरकार से ही मदद कर मांग करते हैं कि चलो नहीं है तो हमारे बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ हो जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, मेरे बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाएं, यही हमारी मांग है। जागती लड़के लिए अमृतसर से अमन महल की रिपोर्ट।